पाली के सुमेरपुर में निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई और बैठक को पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा कि नवंबर माह में प्रस्तावित निकाय चुनाव में सुमेरपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए अगर शहर में भी हमारा बोर्ड बनता है तो सुमेरपुर में विकास तेज गति से होगा। वहीं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जगदीश राजपुरोहित ने कहा कि इस बार कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है और शहर के लोग कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए उत्सुक हैं। शुरुआत करी है नगर कांग्रेस के नेतृत्व में। नगर कांग्रेस के तरफ से जो आवेदन मांगे गए, आवेदन की प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी आज के प्रथम दिन था और सिर्फ व्हाट्सएप और बार के माध्यम से मैसेज हुआ है। व्यक्तिगत किसी को कहा नहीं गया, आधे अधूरों को ज्ञान है, तो फिर भी 18 से 20 आवेदन आए हैं। तो अभी आगे प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड कैसे बनेगा? दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, तो कैसे बन सके? जब टिकट की बात आएगी और जब कांग्रेस का वोट बनाने की बात आएगी तो सब कांग्रेस एक है, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के भाई भाई की तरह मन मुटाव जरूर है, लेकिन नगर पालिका का वोट बनाने में सारे कांग्रेस ही एक। तो दो दो जगह फॉरम लिए जा रहे हैं, तो क्या कारण है? कोई बात नहीं, वो स्क्रूटनी करके और जब भी जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा। नगर पालिका में पार्षद का जो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहता है वो नगर कांग्रेस के माध्यम से आज यहाँ पर वो आवेदन कर रहे हैं। आवेदन की कुल संख्या तो शाम तक पता चलेगी। यहाँ की जो ये आवेदन प्रक्रिया है, पर्यवेक्षक जब तक आएंगे तब तक हम आवेदन लेंगे, नगर अध्यक्ष को आवेदन दिए जा सकते हैं और इसके बाद यहाँ से एक पैनल बनके जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हम भेजेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी की सिफारिश पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा यहाँ पर टिकट वितरण किए जाएंगे। एक जो संशय फैलाया जा रहा है कि टिकट कौन देगा, आज तक संगठन ही टिकट देता आया है, नगर कांग्रेस ही निकाय चुनाव के टिकट आज तक देके आई है और आगे भी उनकी सिफारिश पर जिला कांग्रेस के द्वारा प्रदेश कांग्रेस के मार्फत